देश में किसान आंदोलन चल रहा है जिसकी चर्चा देशी नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। बस्तर में भी एक आंदोलन चल रहा है जिसकी चर्चा चंद दिनों तक हुई, उसके बाद लोगों ने उसे बुला दिया। ये आंदोलन पिछले 5 महीने से चल रहा है और इस आंदोलन की चर्चा बिल्कुल से बंद हो चुकी है। दरअसल ये आंदोलन सिलगेर में चल रहा है और सिलगेर के इस आंदोलन को दिखाने के लिए मैं फिर एक बार सिलगेर पहुंचा हूं। नमस्कार, मैं मुकेश चंद्राकर हूं और आप बस्तर जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं। यदि अब तक आपने बस्तर जंक्शन को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम ग्राउंड पे उतर के बस्तर की हकीकत दिखाने की कोशिश करते हैं। बहरहाल, मैं सिलगेर आंदोलन के बारे में बात कर रहा था। मेरे जो व्यूवर्स सिलगेर आंदोलन को नहीं जानते हैं वो मेरे पिछले वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा जो मेरे पिछले वीडियो रहे हैं सिलगेर आंदोलन से जुड़ी, वो तमाम जो लिंक रहे हैं मेरे वीडियो के, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। बता दूं कि 27 तारीख को किसान जो आंदोलनरत हैं उन्होंने भारत बंद का ऐलान किया था, लिहाजा सिलगेर में आंदोलनरत आदिवासियों ने अपना समर्थन उन्हें किसानों को देने की ठानी और वो बस्तर के इस बीहड़ में जो है किसानों के समर्थन में एक बड़ा आयोजन किए हैं। हज़ारों की संख्या में यहाँ आदिवासी एकजुट हुए हैं। आप देखिए, बड़ा खूबसूरत सा मंच बनाया गया है। इस मंच में लकड़ियों के सहारे ही इस मंच को तैयार किया गया है। ताड़ पत्ते के सूखे पत्तों से जो है छत तैयार किया गया है। इसके अलावा पर्स भी देखेंगे, पर्स में सूखे पत्ते हैं, ऊपर से मिट्टी डाला गया है। इसके अलावा बिजली की व्यवस्था जो की गई है, दरअसल इस इलाके में किस तरह बिजली की व्यवस्था नहीं है, पारंपरिक ऊर्जा नहीं है, तो सौर जो प्लेट हैं, आइए दिखाइए अजय, ये सौर प्लेट जो हैं, सौर प्लेट लगाकर यहाँ बिजली की व्यवस्था की गई है। और इस तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर जो है ये अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल ये संघर्ष गीत गा रहे हैं, आदिवासियों की एकता की बात कर रहे हैं, आदिवासियों पे जो जुर्म ढाए जाते हैं उसको अपने गीत के माध्यम से, गाने के माध्यम से जो है ये लोगों को बता रहे हैं, समझाइश दे रहे हैं। एक तरीके से ये चेतना जगाने वाला मामला है। बाकी हमारे साथ कुछ लोग भी हैं। आप मूलवासी बचाओ मंच से हैं? जी जी। अच्छा, आंदोलन कब तक चलता रहेगा? ये तो चलते रहता है। फर्स्ट से मैं बोलने चाहता हूँ कि यहाँ बस्तर के चंबक के लोगों को क्यों मारने चाह रहे कांग्रेस पार्टी? कहाँ मारी? हमारे लोग फर्स्ट में कि 2005 से लेकर अभी तक है ना, वो तो हम लोग सबूत कहने जा रहा था, इसलिए मैं 5 साल पुलिस में नौकरी की चुका हूँ, मेरे को खुद मारा है। आप नौकरी किए हैं? जी। क्या SPO थे? SPO में नहीं है, DRG में था मैं। अच्छा, DRG में। जी जी। तो फिर क्यों छोड़े आप? क्योंकि हमारा माँ बाप को बीमारी था, इसलिए हम लोग, माँ बाप का बीमारी था, इसलिए हम लोग की वहाँ पे ऐसा ऐसा बीमारी हो गया बोल के घर वाले खबर दिया, तो मैं आ गया हूँ। अच्छा, अगर नक्सली हमारा गम में रहते तो मैं नहीं मरता हूँ क्या? मैं मर जाता, जिंदगी में नहीं रहता हूँ। अच्छा, आपको नहीं मार रहे? लेकर हमारे गाँव में नक्सली कोई नहीं आता है यहाँ पे। किस गाँव से हैं आप? सिलगेर का हूँ। अच्छा, सिलगेर से? पटलपारा सिलगेर का हूँ। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। तो आपका ये कहना है कि आप खुद DRG में रहें बावजूद इसके पुलिस आपके साथ मारपीट की है? जी। चलिए, तो इस वजह से भी आप नहीं चाहते कि पुलिस कैंप इधर स्थापित हो? जी, इसलिए है। आप DRG में जब थे कितना, 5 साल थे? 5 साल। इस बीच का आप आदिवासियों के साथ मारपीट नहीं किए? नहीं, उस समय नहीं किए हैं। फर्स्ट में हैदराबाद में मेरे को कूली करने गया था, उस समय पकड़े गए हैं, तब मारा पीट हुआ है, तब चैलेंडर हो गया था मैं। अच्छा जी। तो आप नक्सल संगठन में भी थे? जी, उस पहले जमनत में थे, नक्सली थे तुम? जी। उसके बाद सरेंडर करके DRG के जवान? हाँ, 2012 मैं छोड़ के घर आ गया, इसलिए हमारे गांव निवासी। तो अभी बोले थे कि तुम DRG में थे? जी, DRG में थे क्या? पुलिस अभी भी मेरे को वारंटी सरकार बोल रहे ना सर। अरे यार, थोड़ी देर पहले आप बोले थे ना कि आप पुलिस में थे करके, DRG के जवान थे क्या आप? हाँ जी, उन लोग पूरा जान पहचान लोग हैं उन लोग। अच्छा, हाँ। चलिए, आप पुलिस विभाग में थे मतलब? जी। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये पुलिस विभाग में रहे हैं, पहले नक्सली रहे हैं, फिर आत्मसमर्पण किए, फिर पुलिस विभाग में नौकरी किए हैं और फिर अब जो है सामान्य ज़िंदगी जी रहे हैं नौकरी छोड़ के। सुनीता हैं, सुनीता भी मूलवासी बचाओ मंच से हैं। सुनीता जी,
ये तो आप लोगों की मुलाकात सीएम से हुई है ना, लंबी वार्ता हुई है, सांसद विधायक आप लोगों से बात करने को आए थे, तो क्या आप लोगों की मांगे पूरी नहीं हुई है? हाँ ठीक बताइए सर। हम लोग जितना भी मांग रखे हैं अपना मांग को सरकार पूरी नहीं करे, इसलिए हम लोगों को कह रहे हैं कि अपना मांग जब तक सरकार पूरी नहीं करेगी हम लोग तब तक यहीं डटे रहेंगे। अपना यहाँ सिलंगेर में नया पुलिस कैंप के विरोध में हम लोग डटे हैं, लगातार कैंप के लिए विरोध कर रहे हैं कि हम लोगों को कैंप ना चाहिए करके। अच्छा, कैंप के अलावा और कुछ मांगे आप लोगों की? सर कैंप का विरोध में उसके हलवा ऐसी कैंप लगातार 2-3 किलोमीटर कैंप बिटाते ले जा रहे हैं और कैंप ऐसी बनाते ले जाएंगे तो और यहाँ रहने वाले आदिवासी लोगों को बहुत दिक्कत है कि कहीं भी हम निर्दोष को पकड़ कर जेल में डालना, अत्याचार हत्या करना ये लगातार चल रहा है और कैंप बढ़ेगा तो और ज़्यादा यहाँ आदिवासी लोगों को जीने के लिए बहुत दिक्कत होगा, मुश्किल हो रहा है सर। अच्छा। इसलिए आदिवासी लोग रहने का जगह में ही जमीन है, जंगल है, इसलिए हम लोग को कैंप ना चाहिए कि अभी भी पढ़ने वाले लोग भी पढ़ने नहीं पा रहे हैं, पढ़ने वाले लोगों को भी जो चचाई के लिए आवाज उठाएगा तो उसके ऊपर लगातार निगरानी रख रहे हैं, नक्सली घोषित कर रहे हैं, ये फर्जी केस में लगातार ऐसी फंसा के जेल में डालना ये जारी है सर। सुनीता मैं एक चीज़ समझना चाहता हूँ, आप लोग कहते हैं आप लोगों को स्कूल भवन चाहिए, अस्पताल भवन चाहिए है ना, लेकिन जब तक सड़क नहीं होगा सरकार स्कूल भवन अस्पताल भवन तो नहीं पहुंचा पाएगी ना सर। हर गांव में छोटा छोटा गली रोड नहीं है तो उतना चौड़ा रोड क्यों बन रहा है? इसलिए हम लोगों को लग रहा है कि कारखाना कंपनी बनेगा तो और दिक्कत होगा, इसलिए छोटा गली रोड हर गांव में होने से वो थोड़ा हम लोग सोच भी पाते थे, बड़ा उतना चौड़ा रोड क्यों सीधा बनाते ले जा रहे हैं, इसलिए कारखाना कंपनी लगाने के लिए ये चेयर कर चाह रहे हैं सर। तो कंपनी या उद्योग खुलेंगे तो नौकरी तो आप ही लोगों को मिलेगी ना सर? इतना पढ़े लिखे लोग भी है, इतना पढ़े लिखे लोग भी है, अभी तक किसी को नौकरी नहीं मिला है कि यहाँ अभी भी ऐसी पढ़े कर करके भी अभी भी पढ़ने वाले लोग ऐसे वंचित होके भी है। अभी रोजगार तो मिलेगा ना आप लोगों को, दुकानें खुलेंगी ये सारी चीज़ें होंगी तो रोजगार भी मिल जाएगा आप लोगों को? सर हम लोग रोजगार मिलेगा लेकिन अब भी बहुत सारे लोग है वहाँ झाड़ू पोंछा लगा के अभी जी रहे हैं शहरी जगह में, ऐसी बस्ती जगह में, उनको नहीं मिल रहा है तो यहाँ आदिवासी लोगों को कैसे मिलेगा सर? ये हम लोग भी देख रहे हैं, कहीं बाजार मार्केट जाएंगे तो वहाँ कितना दुखी से जी रहे हैं, उन लोगों को नहीं मिल रहा है, यहाँ आदिवासी लोग इतना अच्छा अपना खेती किसानी करके जी रहे हैं, उनके लिए ये मिलेगा वो मिलेगा ये योजना मिलेगा बोल के सरकार बता रहे हैं, लेकिन वहाँ रहने वाले लोगों को इतना मुश्किल से जी रहे हैं, उनको नहीं दे पा रहे हैं, कोई भीख मांग के जी रहा है उनको नहीं दे रहे हैं, उनको क्यों नहीं देख रहे हैं फिर वहाँ सरकार? यहाँ इतना अच्छा जीने वाले लोगों को ये देंगे बोल के वो देंगे बोल के सरकार बता रहे हैं सर। अच्छा, किसान आंदोलन को भी आप लोग समर्थन दे सर, रहे हैं? सर दिल्ली किसान आंदोलन कर रहे हैं वहाँ, उनके लिए भी हम लोग समर्थन दे रहे हैं सर। लेकिन उन्होंने एक बार भी सिलगेर आंदोलन का जिक्र नहीं किया है सर। यहाँ से ना बहुत नेटवर्क का प्रॉब्लम है, इसलिए हम लोग यहाँ से वहाँ पहुँच नहीं पा रहा है सर। अच्छा, मतलब आपका मैसेज वहाँ नहीं पहुँच पा रहा है? जी सर। मैं यही कहना चाह रहा था कि आप लोग जंगल में जो है ये कर रहे हैं धरना प्रदर्शन, या आपका विरोध प्रदर्शन चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन को आप शहर में क्यों नहीं ले जाते, जिला मुख्यालय संभाग मुख्यालय? हर ब्लॉक में भी कर रहे हैं, उस दिन 13 सितंबर को भी बीजापुर में भी कर रहे हैं, वहाँ भी जेल बंदिरों का रिहाई के लिए वहाँ भी गए थे बीजापुर में, 17 लोगों को भी ऐसी पकड़ के ले जाने का दे के, और नया कैंप यही 10 अक्टूबर को सरकार आदेश दी थी वहाँ पूछनार और पालनार कायका में कैंप नया कैंप खोलने के लिए, उसको भी उसके लिए भी वहाँ का पब्लिक उठ के आवाज़ उठाए सर, इसीलिए हम लोग लगातार विरोध करते आ रहे हैं कि ऐसी जो पढ़ने लोग भी पढ़ने नहीं पा रहे हैं, यहाँ रहने वाले लोग भी रह नहीं पा रहे हैं, आदिवासी लोगों को भी जीने के लिए हक अधिकार होना चाहिए सर, इसलिए हम लोग कैंप और बढ़ेगा तो और दिक्कत होगा।
अच्छा कैंप बढ़ेंगे तो एंटी नक्सल ऑपरेशन बढ़ेगा, एंटी नक्सल ऑपरेशन बढ़ेंगे तो एंटी नक्सल ऑपरेशन के नाम पे आदिवासियों को लगातार परेशान किया जाता रहेगा। सर यहाँ भी ये सिलंगर आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ बोल रहे हैं कि नक्सली लोग समर्थन कर रहे हैं बोल के बता रहे हैं। सरकार ऐसे बदनाम ना करे, लेकिन अपन ही यहाँ आसपास के लोग पब्लिक आके यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, ये नया कैंप के विरोध में डटे हैं, कोई नक्सली समर्थन ना दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, मतलब ऐसे बदनाम कर रहे हैं सरकार, लेकिन कोई यहाँ नक्सली नहीं है, अपना ही आदिवासी लोगों का जमीन है, आदिवासी लोगों का जंगल है, उसीलिए यहाँ हम लोग लगातार विरोध। जंगल में आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, यदि शहर में जाएंगे तो शायद आप लोगों पे ये जो तमगा लग रहा है इस आंदोलन को लेकर, जैसे सरकार बार बार कह रही है, सरकार में बैठे लोग कह रहे हैं कि नक्सल प्रायोजित रैलियाँ हैं या आंदोलन हैं, यदि शहर में जाएंगे तो शायद आप पे ये आरोप ना लगे। सर हम लोग बस्ती में करने के लिए भी सोचे थे सर, उस समय क्या बोले पोर्स मनी बोले ना, यहाँ आप लोग आओगे तो बहुत दिक्कत होगा ये कोरोना महामारी के बारे में, और उन्हीं लोग वापस करें, हम लोग बीजापुर से आगे भी जा सकते हैं बोल के उस समय जा रहे थे, वहाँ भी यहाँ शहर के गुड़ा ने जाने दिया तो वहाँ शहर में कहाँ घुसने देंगे, पोर्स बीच में आके पब्लिक को रुकावट कर रहे हैं सर, उसलिए नहीं जा पा रहे हैं सर। ये ऐसे जो चचाई के लिए आवाज उठाएगा अपना दुख के लिए, हम लोग देख रहे हैं अत्याचार हत्या करने का, हम जनता को पकड़ के जेल में ठूसने का देख के, हम लोग ऐसे चचाई के लिए आवाज उठाएंगे तो वो माओवादी है करके सरकार बोल रहे हैं सर। अच्छा तो ये बस्तर के आदिवासी हैं जिनका ये कहना है कि एंटी नक्सल ऑपरेशन के नाम पे इन आदिवासियों को जवान परेशान करते हैं। एक तस्वीर और दिखाना चाहूँगा, जब भी अंदरूनी इलाकों में हम रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं वहाँ सिर्फ मेरा इकलौता कैमरामैन नहीं रहता, इसके अलावा दर्जन भर कैमरामैन रहते हैं जो हमें शूट कर रहे होते हैं। ये देखिए ये जो ये सारे के सारे यहीं के ग्रामीण हैं जो हमें रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, हम क्या बताना चाह रहे हैं हमारे दर्शकों को। चारों तरफ आप देखिए एक दर्जन से अधिक लोग हमें शूट कर रहे हैं या हमें रिकॉर्ड कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं, हिंदी आता है दादा? नहीं आता है? नहीं आता है, अभी हिंदी में बोल रहे हो? नहीं आते हैं। नहीं आता है? अच्छा चलिए, दीदी शूट कर रहे हैं, हिंदी आती है? नहीं आता है। नहीं आता है भी आप हिंदी में बोल रहे हैं? हाँ रब, क्या क्या वजह है, क्यों शूट कर रहे हैं, क्या करोगे इसका? हाँ क्या करोगे? हाँ हाँ कौन? अच्छा चलिए, तो कुछ और भी लोग हैं जो बात करेंगे। हिंदी बात करते हैं? नहीं, गोंडी से बात। चलिए मैं आता हूँ, एक और कुछ लोग और हैं। ये देखिए तस्वीरें, देखिए कितनी भीड़ है, 2000 से अधिक लोग इकट्ठा हुए हैं। 27 और 28 तारीख को इनका बड़ा आयोजन था, बड़ा आंदोलन था, इस वजह से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आए हैं। इसके अलावा कुछ देर पहले ये हमें मिले थे, ये अपनी समस्या बता रहे थे, ये बीमार हैं, थैला लगा हुआ है, दिखाइए थैला, दिखाइए आप पहले, ये बीमार हैं कुछ देर पहले, बस 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 ठीक है, थैला लगा हुआ है, ये बीमार हैं। अच्छा आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं मेरा समस्या बताना चाह रहा था सर। हाँ बताइए क्या समस्या है। मेरा समस्या मतलब मेरे मिसेस को डोडी तुमनार कमाई, मैं डोडी तुमनार गंगालूर थाना क्षेत्र, गंगालूर थाना क्षेत्र का हूँ, और मेरे मिसेस को पुलिस वाले लेके गए वो, क्योंकि हम उस समय पूरा बलात्कार मामला और क्या तो जंगल को जब्त करने का और जमीन को पूरा जब्त करने का कुछ कर रहे थे पुलिस, और हमारे गांव वालों को पकड़ के लेना और आदिवासियों को पूरा पकड़ के लेने का उसके विरोध में, और चारकिनगुड़े एड्समेटा में पूरा नरसार किया वाला उसके विरोध में भी हमारे आदिवासी। आपके मिसेस को कब ले जाया गया और क्या आरोप लगा है आपकी वाइफ पे? मेरे पत्नी को पुलिस वाले पकड़ के ले गए, उसी बात करने के लिए जा रहा था, गए हुए थे उस समय पकड़ के ले गए, और अपने गांव से दो जन को। आपकी वाइफ को किस मामले में गिरफ्तार किया गया है? वो ना रैली के लिए गई हुई थी बात करने के लिए, और उन लोग पुलिस वाले क्या कर दिए, लाठी चार्ज करने के बाद पुलिस वाले लाठी करने का देखकर आदिवासी जनता थोड़ा पीछे हटने का भागना शुरू कर रहे थे, उसी समय मेरे मिसेस को वहीं से पकड़ के ले गए। आपकी आपकी मिसेस जो है, आपकी जो पत्नी है,
वो नक्सल संगठन में थे या नक्सल संगठन के सहयोगी थे? वो नक्सल संगठन में नहीं थी मैडम सर, वो नहीं थी, आम जनता मतलब आर्म ग्रामीण मेरे साथ ही खेती बाड़ी करके जीने वाले हम। तो इनकी पत्नी को नक्सल मामले में कैद कर लिया गया है, और इस तरह के मामले जब निकल कर आते हैं तो जाहिर सी बात है पुलिस और सरकार के खिलाफ जो है इन आदिवासियों में आक्रोश होगा। और इस तरह के जब मामले निकलते हैं तो पुलिस और सरकार से इन आदिवासियों का विश्वास पूरी तरह से उठ जाता है। सरकार लाख दावे कर ले कि वो आदिवासियों का विश्वास जीतने के लिए काम कर रही है, लेकिन ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि सरकार की ये कोशिशें नाकामयाब ही रही हैं, पुलिस की कोशिशें नाकामयाब हो रही हैं। किसी नई रणनीति पे पुलिस को काम करना होगा, सरकार को काम करना होगा इन आदिवासियों का विश्वास जीतने के लिए। इसके साथ ही जिस तरह से एनकाउंटर्स होते हैं, गिरफ्तारियां होती हैं, और इन पे जो है इन गिरफ्तारियों और इन एनकाउंटर्स पे जब सवाल खड़े होते हैं तो जाहिर सी बात है कि लोगों में आक्रोश और बढ़ेगा, और इन चीज़ों पे भी लगाम लगना चाहिए। मैं बार बार ये कहता हूँ कि इस तरह के मामलों की पुनरावृत्ति होगी तो जाहिर सी बात है नक्सलवाद ख़त्म नहीं होगा बल्कि नक्सलवाद और बढ़ेगा। बेहतर होगा कि सरकार को नक्सल उन्मूलन नीति पे और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करने की आवश्यकता है, और अपनी नीतियों में तब्दीलियां लाने की आवश्यकता है। इसके अलावा सिलगेर का ये जो आंदोलन चल रहा है फिलहाल तो ख़त्म होता जैसा नज़र नहीं आ रहा है, भले ही सरकार ने ज़रूर कह दिया था कि सिलगेर आंदोलन कर रहे आदिवासी जो है अब वापस लौट चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से आदिवासी हमें बता रहे हैं कि हर रोज़ करीब 800 से 900 लोग आंदोलन में रहते हैं, मगर 27 और 28 सितंबर ये विशेष दिन था, इस वजह से बड़े पैमाने पे आंदोलन ये चल रहा है। बहरहाल आपको ऐसा लगता है कि बस्तर की बात होनी चाहिए, बस्तर के आदिवासियों की बात होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, इस तरह की समस्याओं को हम बार बार दिखाते रहेंगे, आदिवासियों की तकलीफ़ों को बार बार दिखाते रहेंगे। और अगर हमारे ये वीडियोज़ रिपोर्ट्स आपको अच्छे लगते होंगे तो आप हमारे YouTube चैनल बस्तर जंक्शन को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें Twitter, Facebook और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।